हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में बसने वाले और देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के दिलो दिमाग में बसने वाले और उत्तराखंड देवभूमि के ही सपूत परम आदरणीय योगीनाथ जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि पूरे हल्द्वानी वासी आपका इंतजार कर रहे हैं। योगीनाथ जी एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नैना मैया की, नैना मैया की, नंदा देवी की, नंदा देवी की, शीतला मैया की, शीतला मैया की, हर हर महादेव। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, राजेंद्र बिष्ट जी, उत्तराखंड शासन के मंत्री श्री सौरव बोगणा जी, बलवंत सिंह भौरियाल जी, बंशीधर भगत जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में देवभूमि के हल्द्वानी में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, देवभूमि की इस पावन धरा को जिसने न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित किया बल्कि अनेक महापुरुषों को देने वाली धरती है, जिस धरती ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जन्म दिया हो, जिस धरती में पंडित नारायण दत्त तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे सपूतों को जन्म देकर के उत्तर प्रदेश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया हो, उत्तराखंड की इस देवभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज बैसाखी का भी पावन पर्व है और बैसाखी के साथ ही खालसा पंथ की स्थापना का दिवस भी है आज। इस अवसर पर बैसाखी की हार्दिक बधाई देते हुए मैं सभी सिख बंधुओं को भी खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। आप याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, उस समय मैंने घोष किया था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। बहनों भाइयों, चार चार पुत्र उनके देश और धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया।
जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा गया कि आपके चार पुत्र और माता गुजरी ये सब बलिदान हो गए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चार हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, और इस देश और धर्म के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित हो, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की इस पवित्र परंपरा को नमन करते हुए मैं उन्हें बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे देवभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, और बहनों और भाइयों, यहां का तो कंकण कंकण में शंकर है, यहां का तो हर स्थल अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है, और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी। मुझे याद है जब माननीय श्री धामी जी यहां के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं, मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए, मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही है, इन सबका एक झटके में समाधान निकाल दो, और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान में विश्वास करती है, और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी, देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला, और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों भाइयों, ये बदलता हुआ भारत वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है, सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। जब उत्तराखंड का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि निश्चिंत रहो, हम सीमा की सुरक्षा के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़े हैं, तो 140 करोड़ का भारत निश्चिंता के साथ अपनी नींद को, रात की नींद को बड़ी चैन के साथ सोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा बहादुर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए खड़ा है, सरकार उसके पीछे खड़ी है, और आपका सौभाग्य है कि रक्षा मंत्री के रूप में इसी माटी के सपूत अजय भट्ट भी उन सैनिकों के प्रोत्साहन के लिए सीमाओं के क्षेत्रों में निरंतर प्रवास करते हैं। बहनों भाइयों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज कार्य हो रहा है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, और उत्तराखंड के लिए तो मेरा तो बचपन ही उत्तराखंड में व्यतीत हुआ था। बहनों भाइयों, 100 में से 9 घर भी नहीं होते थे जहां पानी मिल पाता हो, दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाना पड़ता था, कितनी परेशानी होती थी। और बहनों भाइयों, आज आप देखते होंगे हर घर नल की योजना, और मैं धन्यवाद दूंगा धामी जी कि आज 100 में से 900 घरों में पानी पहुंच गया है। ये तो परिवर्तन है। पहले यहां पर ईंधन की भी समस्या थी, लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाना होता था, क्योंकि कांग्रेस केरोसिन भी नहीं दे पाती थी, यानी मिट्टी का तेल भी नहीं दे पाती थी, और अब तो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन जिनके पास नहीं है उतनी मिल रही है,
समस्या नहीं, समाधान का रास्ता ये निकाल दिया है मोदी जी ने। तो चाहे वह गरीब कल्याण का कार्य हो, चाहे वह विकास के कार्य हो, चाहे वह आस्था का सम्मान हो और चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की बात हो, वैश्विक मंच पर सम्मान की बात हो। बहनों और भाइयों, आजादी के बाद देश का सबसे अच्छा जो स्वर्ण युग माना जाएगा वह मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष हैं और इसलिए मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है उसमें और तेजी आनी है। उस तेजी के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भी चाहिए, तीसरा कार्यकाल भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, क्या कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? क्या हटा पाती? ये तो इन्होंने ही की थी ये समस्या। ये आतंकवाद का जो जहर है तो धारा 370 से देश के दमनियों में घुल रहा था, ये देन कांग्रेस की है, ये किसी और ने नहीं दी, ये कांग्रेस ने दी बीमारी। मोदी जी ने बीमारी को हमेशा कदे समाप्त कर दिया। एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा जो आह्वान है उस बात पूरा किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने। बहनों भाइयों, तीन तलाक की कुप्रथा को समाप्त क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस को तो पीड़ा हो रही है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक कानून क्यों पास कर दिया, यानी कांग्रेस को पीड़ा हो रही है जबकि स्वागत किया जाना चाहिए। ये विवाह हो, वरासत हो, नागरिकता का हो, एक समान कानून हर नागरिक के लिए तैयार होना ही चाहिए और यह कार्य उत्तराखंड सरकार ने किया है। मैं धामी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तराखंड में बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, लेकिन कार्य करने के लिए हिम्मत चाहिए। बहनों और भाइयों, देश की आस्था को सम्मान क्या कांग्रेस दे पाती? नहीं दे पाती। अयोध्या को तो इन्होंने विवादित किया था, अयोध्या को विवाद इन्होंने ही खड़ा किया था। और बहनों भाइयों, ये लोग चाहते ही नहीं थे कि अयोध्या की समस्या का समाधान हो। कांग्रेस हमेशा उस विवाद को टालती थी और एक समय तो ऐसा भी आया था जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था और कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, इससे बड़ी गाली सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दूसरी नहीं हो सकती कि उनके देवी देवताओं को ये कहा जा रहा हो कि हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, हमने न केवल राम और कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार किया बल्कि उन्हें अपनी विरासत से जोड़ करके आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी संपन्न किया है। आप देखें ना अयोध्या, ऐसे लगता है अयोध्या में आकर के जैसे त्रेता युग साक्षात अयोध्या धाम में आ गया हो, प्रभु राम के समय का समय फिर से जीवित हो गया हो। अयोध्या में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों को हम लोगों ने उसी रूप में सजाने संवारने का काम किया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर प्रयागराज हो। बहनों भाइयों, ऐसे ही उत्तराखंड में केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, पूरी सुंदरता के साथ उनका सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम को वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार उन्हें एक नई पहचान के साथ देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। चार धाम की यात्रा की सफलता अपने आप में एक अद्भुत कहानी कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, अन्नदाता किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, महिलाओं की समृद्धि और उनकी सुरक्षा की बात हो, आज आप देखते होंगे आज कोई संकट नहीं है। आज तो संकट उन्हीं लोगों में है जो भ्रष्टाचारी है, आज संकट उन्हीं के लिए है
जो दुराचारी है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा था, संकट उसके लिए है। अब आप देखते होंगे हम लोगों ने तो एक ही बात कही है यूपी में, भाई देखो अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो दो ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं बनने वाली। तय कर लो कहां जाना है। और बहनों और भाइयों आज देखते होंगे दंगा समाप्त, 7 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है, कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। अब तो कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है वहां पर, हर हर बम बम के साथ। पहले बमबाजी होती थी 17 के पहले, आज बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के उद्घोष के साथ कावड़ यात्री निकलता है, और जब निकल पड़ता है तो एक अद्भुत नजारा देखते हुए बनता है। बहनों और भाइयों इससे अच्छा हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी ला रहे हैं, नौजवानों की आजीविका का भी सम्मान किया जा रहा है, और देश की आस्था को भी सम्मान दे करके विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और ये सभी कार्य अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में सभी कार्य देश के अंदर हो रहे हैं, और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। बहनों और भाइयों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो संबंध है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उत्तराखंड से जब नदियों का पानी आता है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सहायक होता है। बहनों भाइयों ये एक दूसरे से पूरी तरह रसे बसे हैं, और इसलिए कभी कभी लोगों को ये गफलत होती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को एक गलत फहमी कुछ लोगों को कुछ माफिया और अपराधियों को होती है कि यहां अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूं तुम उसको उस लायकी में छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे, उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि देवभूमि को पवित्र कर सको। और इसलिए बहनों और भाइयों लोग आए हैं, विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है, तीसरा कार्यकाल। और यहां पे तो देखिए धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास हो रहा है, और बहनों और भाइयों ऐसे ही अजय भट्ट जी ने केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री के रूप में, पर्यटन विभाग के मंत्री के रूप में विकास की ढेर सारी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं, नैनीताल और उधमपुर को दी हैं, पूरी अच्छे ढंग से में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया, और आज उसी का परिणाम है वे यूपी में भी रुचि देते हैं। यूपी में हमारा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, 6 नोड बन रहे हैं, और उन 6 के 6 नोड में भी उनका पूरा सहयोग मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जिससे रक्षा उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बन सके भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास की जिन नई बुलंदियों को छूने के लिए आगे बढ़ा है। पहला होता था कि हमें रक्षा आपूर्ति के लिए दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था, और आज बहनों और भाइयों रक्षा आपूर्ति न केवल भारत के अंदर भारत की इकाइयां कर रही है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी अब हम यहां से निर्यात करने की स्थिति में, निर्यात कर रहे हैं, दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है। नेतृत्व का भाव था, पहले नेतृत्व नहीं था, देश के बारे में नहीं सोचती, जाति के नाम पर लड़ाते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अराजकता पैदा करते थे। ये जो परिवर्तन देश में देखने को मिला है आपके वोट ने किया है, आपका ये वोट गलत हाथ में जाता था, देश को बर्बादी की ओर ले जाता था, आतंकवाद भड़काता था, भ्रष्टाचार बढ़ाता था, संप्रदाय के नाम पर समाज में तनाव पैदा करता था। आपने एक वोट बीजेपी को दिया, मोदी जी को दिया,
देश का कायाकल्प हो गया, नए भारत का दर्शन हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। ग्लोबल पावर के रूप में बढ़ते हुए भारत को हम सब देख रहे हैं और हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है, हम ये सब कार्य देख रहे हैं। और इसीलिए आज मुझे हल्द्वानी में आपके बीच में आने का आपने अवसर दिया। मैं जानता हूं कि उत्तराखंड तो हमारा उत्तराखंड तो राष्ट्रवाद के साथ होगा, राष्ट्र धर्म के साथ होगा। जहां भारत भारत की जनता के हित में जो होगा उत्तराखंड में ही होगा। और मुझे कोई संदेह नहीं कि आप सब कमल चुनाव चिन्ह के साथ मोदी जी को तीसरी बार कार्यकाल देने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं, फिर संकल्पित है। लेकिन एक दायित्व का निर्वहन करने की दृष्टि से आज फिर मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, व्यापारियों की रखवाली के लिए यह अभियान निरंतर आगे बढ़ना है। और उस अभियान को लेकर के आज हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, पहले ही चरण में 19 अप्रैल को आपके यहां मतदान है। अब कुल 5 दिन आपके पास बचे हैं, प्रचार के लिए 4 दिन बचे हैं और इसी में रामनवमी भी है। शारदीय आपके बासंती नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के आयोजन चल रहे हैं, पर्व और त्योहारों की धूम बची हुई है। इन त्योहारों को भी मनाना है, घर घर जाकर के अजय भट्ट बन करके, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके। और आश्वस्त करिए कि बाकी चीज की चिंता नहीं करनी है, केवल एक ही बात की चिंता करनी है, 19 अप्रैल को चाहे मौसम कैसा भी हो, एक एक वोट